भाई तो देख, तू भी ये चाहता है ना कि यार तेरे पास चार पांच बंदियां दोस्तों, चार पांच बंदे दोस्तों, और वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कॉलेज वाला एक ग्रुप होता है वो हो, हम साथ में टूर पे जाएं, ट्रेवल पे जाएं, पार्टीज करें। लेकिन यार आप तो इंट्रोवर्ट हो ना, तो आपको तो बात करने से डर लगता है, आपको तो हेजिटेशन होती है बात करने से। मेरे भाई देखो, एक इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, ये एक नेचर है, लेकिन दोस्त बनाना, कम्युनिकेशन करना, दिस इज अ स्किल दैट कैन बी मास्टर्ड। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब कॉलेज के अंदर आया था भाई, मैं बहुत घबराता था बात करने से, लेकिन धीरे धीरे स्किल को मैंने मास्टर करा। और किस तरीके से करा, आज के वीडियो में आइए देखते हैं। वीडियो को बस एंड तक सुनते जाना, बाकी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपकी फीड में आती रहे। देखो, अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो ये बिल्कुल ही जायज है। अगर आप कॉलेज में हो भी अभी जाने वाले हो तो पहले बता दो, क्योंकि नया नया कॉलेज होगा, पहली बार आप घर से जा रहे होगे, आपको हेजिटेशन होगी लोगों से बात करने में, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। जैसे मैं मान लो यूपी से था, मैं हरियाणा में आया कॉलेज में, तो यहाँ पर मेरे को पंजाब के, राजस्थान के, साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग तरीके के लोग मिले। अब मैं उनसे घबराता था बात करने से यार, कि कोई बंदा अगर पंजाब का है तो यार मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ, कोई हरियाणा का है तो उसको कैसे करूँ। तो अब मैं आपको ये सारी हेजिटेशन दूर कर देने वाला हूँ, और वीडियो के एंड में आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप बहुत सारी बंदियां दोस्ती बना सकते हो। मतलब देखो यार, ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके के कंटेंट से यही मिलता है, तो हाँ सब्सक्राइब कर लो। देखो बार बार बोल रहा हूँ, ये एक स्किल है जो मास्टर किया जा सकता है। आप कैसे मास्टर करोगे, क्या करोगे, ये वीडियो आपको एकदम क्लैरिटी दे देने वाला है। अगर आपके अभी तक भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, आपको लगता है कि यार भैया मैं तो हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मेरा तो वही एक दो दोस्तों का ग्रुप रहा है, अब बन सकता है, ठीक है। और अब वो टाइम है। कैसे, देखो सबसे पहली चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि आप एक नई जगह पर जा रहे हो जहां पर ऑलरेडी लोग आपको जानते नहीं है, ठीक है। और ना आपका, जनरली केसेस में आपका कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं जा रहा जो आपको बहुत पहले से जानता था। तो अगर आप यहाँ पर कुछ चीजें ट्राई भी करते हो, कुछ नई चीजें करते भी हो ना, तो भाई कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलने वाला है, सब आपसे पहली बार ही मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या करोगे, जब आप कॉलेज जाओगे तो सबसे पहला व्यक्ति जो आपको मिलेगा वो होगा आपका रूममेट, ठीक है। तो आपके रूम में जो व्यक्ति होगा, एंड दूसरा कि आपके साथ में जो व्यक्ति बैठेगा जब आप क्लास में जा रहे होगे, तो अपने रूममेट, अपने बैचमेट से स्टार्ट करिए, ठीक है। एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने का कोशिश करिए। कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में आया था, तो मैं, मेरा एक रूममेट था जो कि ईसीई ब्रांच का था, तो अंकुर नाम था उसका, तो वो यूपी से था, तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट वही हो गया कि भाई हम योगी जी के ऊपर डिस्कशन करने लगे, गोरखपुर का था वो, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करने लगे। फिर हमारा इतना ज्यादा अच्छा सा बॉन्ड बन गया कि अब मेरे को उसके जो दोस्त थे उससे भी हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन होने लगा। तो इस तरीके से बातें बढ़ती हैं। अब बैचमेट की मैं बात करूं, मैं पहली बार अपने क्लास के अंदर गया, क्लास में मेरे को एक व्यक्ति मिले, 60, मेरा रोल नंबर 65 था, मेरे से पहले 64 रोल नंबर, शिवम भैया आपके, तो शिवम भैया जो है वो यूपी से हैं। वापस वही यूपी वाला डिस्कशन स्टार्ट हो गया, वो लैंग्वेज, वो भाषा, फिर वो रहने का तरीका, फिर हर एक चीज, बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट मिल गए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने, आप किस जगह से हैं, ठीक है, हॉबीज हो सकती है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो, मैं फाइन आर्ट्स, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत सारे दोस्त फाइन आर्ट्स के। मूवीज हो सकती है, मूवीज में ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग के लिए हो सकती है। स्पोर्ट्स, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बैडमिंटन में खेलता हूँ, तो बैडमिंटन में ही मेरे दोस्त बने हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, ठीक है। लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि यार आप अगर कॉमन चीज को हेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक कॉमन प्रोफेसर है, जैसे आप भी चिढ़ते हो तो दूसरा व्यक्ति भी चिढ़ता है, तो दोनों मिलकर उसको गाली दे रहे हो, तो वो भी एक बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, सबसे पहले काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी हेजिटेशन को रिमूव करना पड़ेगा। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, बच्चे कहेंगे यार आपने तो बोल दिया हेजिटेशन को रिमूव, लेकिन भैया हम करें कैसे। देखो सबसे पहले चीज क्या करनी है, कि दिमाग में मेंटली ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर कोई व्यक्ति जज नहीं करने वाला है, और जो व्यक्ति आपको आपके कपड़ों पे, आपकी लैंग्वेज पे, आपकी बात करने के तरीके पे, शक्ल पे जज करता है, वो व्यक्ति भाई बहुत ही घटिया आदमी है, ठीक है। तो उस आदमी को समझो कि ये तो गोबर आदमी है, भगवान इनको सद्बुद्धि दें, और मैं इनसे दूर हो जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको 99% जनता जज नहीं करने वाली है, ठीक है, क्योंकि भाई वो खुद में ही इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं, अपने आप में इतना ज्यादा कंसर्न, सब पहली बार आ रहे हैं कॉलेज यार, ठीक है। तो क्या होता है ना, मेरे को पहले ईयर में लगता था कि यार मैं भाई अच्छे से कपड़े पहन के जाऊं, कि ये करके जाऊं, वो करके जाऊं, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा यार कि हर एक व्यक्ति ऐसी सोच रहा है यार, हर एक व्यक्ति वहां पर कॉलेज में पहली बार ही आया है, तो हर एक व्यक्ति की हालत खराब है। तो आप ये मत सोचो कि आप कैसे लग रहे हो, क्या लग रहे हो, वो सब ठीक हो जाएगा यार, ठीक है। अब खुद कुछ कुछ चीजों को ना मजाक में लेना स्टार्ट कर दो। जैसे क्या होता था कि मैं जनरली कॉलेज में नहा के कम जाता हूँ, क्योंकि मेरे को रात में काम होता है, वीडियो सुबह शूट हो रही है, अभी क्लास करना होगा, तो इस तरीके से मैं कम जाता हूँ। भाई बच्चे कुछ हैं जो जज करते हैं कि यार अरे तू तो नहा के नहीं आता है, मतलब
ठीक है, इस तरीके से, या फिर कलर पे भी मतलब कुछ हो, तो वो क्या है कि वो लोग ना मतलब ठीक है मजाक में ले लो, अरे हाँ भाई नाक नहीं आते भाई क्या कर लेगा, हाँ भाई ठीक है भाई ओके भाई ठीक है। जब तुम मजाक में लेने लगोगे ना चीजें तो तुम चीजें लाइट कर दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप ना, जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरे को मिला, तो मैंने कैसे स्टार्ट करता हूँ मैं बात, मान लो कोई व्यक्ति मिला और भाई कैसा है, हाँ भाई बढ़िया, और भाई कहाँ से है तू, बताया अरे भाई मैं हरियाणा से हूँ रेवाड़ी से, अरे रेवाड़ी यार वहाँ पे तो मौसम मौसम कैसा चल रहा है, तो बताएगा मौसम ऐसा चल रहा है, अच्छा अच्छा भाई रेवाड़ी में जेई की कोचिंग है, हाँ भाई है कोचिंग, अच्छा जेई का क्या, जेई में क्या कैसा रहा था तेरा फिजिक्स मैथ, फिर वहां से डिस्कशन बढ़ता चला जाएगा ठीक है। तो आप अगर ना एक जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करो और उसके थ्रू फिर उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, इसी के साथ में लाइक माइंडेड लोग ढूंढने की कोशिश कर। लाइक माइंडेड लोग अगर आपको मिल गए जी, तो वो आपकी अपने आप ही क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरा, मैं बहुत ज्यादा उस तरीके का व्यक्ति हूँ कि मैं कॉलेज को हमेशा गाली देता हूँ ठीक है, कि भाई मेरे को कॉलेज का सिस्टम ही समझ में नहीं आता। तो मेरे को कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो कि कॉलेज का सिस्टम उन्हें भी समझ नहीं आता, वो भी थोड़ा सा अलग चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार के लोग मेरे पास मतलब मेरे दोस्त अच्छे दोस्त हैं। तो अब क्या होता है कि ये लाइक माइंडेड लोग हैं, कि मेरा भी विजन वैसा ही है सोचने का, उसका व्यक्ति भी सोचने का विजन ऐसा ही है। अब इस तरीके की अगर दोस्ती होती है ना, तो ये एक लंबे टर्म तक भी जाती है। तो ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश करिए जो आपके जैसे हो, और ये जनरली आपको तब वो मिलेंगे जब आप और ज्यादा लोगों से बात करोगे और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे ठीक है। इसके अलावा सवाल पूछिए ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप बंदों से क्या सवाल पूछ सकते हैं, बंदियों से क्या सवाल पूछ सकते हैं, अगर आप लड़की को दोस्त बनाना चाह रहे हो तो उससे क्या पूछ सकते हो। पहली बार जब आप बात कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए अगर किसी लड़के से बात कर रहे हो, तब तो भाई और भाई किधर है भाई, तू किधर से है भाई, तू ये जगह से पूछ लो ठीक है, अच्छा कहाँ से, अच्छा यहाँ से हरियाणा से, चल भाई जगह तो बहुत सेक्सी भाई वहाँ की, या पूछ सकते हो और भाई क्या ब्रांच है भाई तेरी, कहेगा भाई सिविल है, सिविल है अरे अच्छा भाई बहुत बढ़िया है, क्यों लिए सिविल, अच्छा ब्रांच मिल गई, वाह वाह भाई ठीक है। तो ऐसे करके आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, या फिर अगर मान लो कोई बंदी है तो हे तुम कहाँ से हो, वो तो नहीं कह सकते ना, और भाई तुम कहाँ से हो, उसको थोड़ा सा इज्जत से, हाँ भाई कहाँ से हो आप, अच्छा ठीक है, और मौसम कैसा रहता है उधर, क्या रहता है वो कॉन्वर्सेशन। फिर एक बार आपने सवाल पूछ लिया ना, तो व्यक्ति कॉन्वर्सेशन में तुरंत आ जाता है, क्योंकि उसको अब जवाब देना है, समझ रहे हो। तो ये कोशिश करो, प्लस क्या है कि सवाल पूछ के ना पॉजेस लो। होता क्या है कि जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो, जैसे मैं और आप मान ली सामने बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि और भाई तुम कहाँ से हो, तो बताएगा मैं यहाँ से हूँ, अब तो 2 मिनट का पॉज लो। अच्छा अब ये जो पॉज होगा ना, इस पॉज को फिल करने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति हेजिटेट होता है कि यार इस पॉज को मुझे फिल करना चाहिए, तो कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाएगी, वो और चीजें बताएगा तुम्हें, वो और चीजें बताएगा तुम्हें। अब क्या हो रहा है, वो ज्यादा एफर्ट मार रहा है, तुम कम एफर्ट मार रहे हो। ये टेक्निक यूज करके देखो, ये मैं भी करता हूँ यूज ठीक है, तो ये टेक्निक यूज करके देखो, आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ज्यादा पर्सनल मत जाओ, बहुत सारे लोग होते हैं भाई जो एक्सट्रोवर्ट जो खुद को बोलते हैं, पहले दिन ही और भाई बंदी है नहीं तेरी, भाई क्यों पूछना है तुम्हें बंदी के बारे में, क्यों पूछना है, और भाई कल तो उसके साथ घूम रहा था, कल तो सुनैना के साथ घूम रहा था, देखा भाई क्यों पूछना है। पर्सनली किसी पर भी पर्सनल जाओ ही मत, अब वो सामने वाला व्यक्ति तुमसे वैसे ही दूर भागेगा अगर तुम उससे ऐसी चीजें पूछने लगोगे। तो इस तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति को अनकंफर्टेबल मत करो ठीक है, बाउंड्रीज को समझो, बात उतनी करो जितनी वो शेयर करना चाह रहा है, जितना नहीं शेयर करना चाह रहा है जबरदस्ती पूछने की कोई खास जरूरत नहीं ठीक है। अच्छा ओवर थिंकिंग मत करो भाई जाने से पहले, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बात करने से पहले बहुत सारे सिनेरियो सोच लेते हैं कि यार ये मेरे बारे में कहीं ये तो नहीं बोल देगा कि यार भाई तेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, कहीं ऐसा तो नहीं बोल देगा आप तू कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं बोल देगा तेरी शक्ल बहुत गंदी है, काला है गोरा है, ऐसा तो नहीं बोल देगा। लेकिन असल में होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति भी भाई, अगर तुम खड़े हो तुमसे कोई बात करने के लिए आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि यार तुम एकदम से ही उसको काला बोल दो, एकदम से गोरा बोल दो, वो एक बार में व्यक्ति जज नहीं करता है ठीक है। तो वर्स्ट सिनेरियो जो आप सोच के रखते हो ना बात करने से पहले, वो जनरली होता नहीं है। तो भाई सोचो साचो मत, सीधे जाओ और भाई कैसे हो, हाय हाय, वो एक स्लैंग बना लो, वो एक तरीका बना लो कि यार तुम्हें ना व्यक्ति को अप्रोच करना कैसे। मेरा बहुत सिंपल सा तरीका, मेरे को सामने व्यक्ति मिलता है और भाई बस, और भाई और क्या चल रहा है भाई ठीक है, और भाई उस वो क्या होता है, वो एक तरीके से मैं मेरे को रटा हुआ है कि मेरे को भाई सामने नया बंदा मिलेगा मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ। और इस चक्कर में आई थिंक मेरे कॉलेज के अंदर अगर पहले बैच में 1000 बच्चे आए, तो भाई इसमें से करीब करीब 400-500 ऐसा बच्चा होगा जिससे मेरा रेगुलर कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं हो जाता है, और जो भाई मेरा फ्रेंड का सर्कल आप कह सकते हो है ऐसा। तो वो रीजन यही है ठीक है, तो आपको कोई जज नहीं करने वाला है, क्योंकि भाई सबकी खुद की आदत खराब होती है। अब आ जाते हैं मेन डिस्कशन पर, जिसपे भाई मेजर जनता यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए बैठी होगी, कि भाई
भैया ये बताओ यार, लड़कियां दोस्त कैसे बनाएं? क्योंकि देखो आप पहली चीज तो यार ये समझो, अगर आप लड़कियों को मतलब या लड़के भी जो मतलब जो लड़के दोस्त बनाना चाह रहे हैं, लड़कियां भी, अगर आप ऑपोजिट जेंडर का दोस्त बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो ये समझो कि यार दोस्त बनाते समय आपको उसके ऊपर कूदनी पड़ना है। दोस्त बनाते समय आपको ये नहीं सोच लेना है कि भाई मतलब क्रश भी आ रखा है आपका, मैं कह रहा हूँ भाई आपका दिल भी आ रखा है, तो एकदम से ये नहीं है कि एकदम से उस पर कूद ही पड़ना है कि हाँ उसको प्रपोज कर दिया है, वो काम नहीं करना। वो काम अभी इतनी जल्दी आप कर दोगे ना तो वो बहुत क्रीपी लग जाता है और वो बहुत ज्यादा ऐसा लग जाता है कि वो हमेशा के लिए आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा ये चीज मत कूदना, मैं तो कहूंगा भागो मत भाई बंदी बंदा के पीछे। लेकिन चलो अगर तुम कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस से देखा है। पहली चीज तो क्या करो, अगर तुम्हें लड़की दोस्त चाहिए, ठीक है, मैं लड़कों के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ, बाकी बंदियां भी इसको रिवर्स अप्लाई कर सकती हैं। देखो एक तो ऐसा ऐसी लड़की या ऐसा लड़का ढूंढो हमेशा ही जो कि लड़की और लड़के दोनों से बात करने में कंफर्टेबल हो, वो बात कर भी रही हो, ठीक है। बहुत सारी कॉलेज के अंदर ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो कि लड़कों से बात ही नहीं करती हैं, वो समझती हैं कि भाई मतलब लड़कों से मैं बात कर लूंगी तो कुछ हो जाएगा, ये मुझे उठा के ले जाएंगे, तो उनसे दूर रहो यार, ठीक है। अगर तुम उनको अप्रोच करने लगोगे ना वो पहले से ही समझ जाएंगे कि भाई ये तो मुझे मतलब कुछ कर ले होगा, तो उनसे आप दूर रहो, वो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, तुम्हें मजा नहीं आएगा बात करने। दूसरा स्टेप क्या है, एक कॉमन ग्रुप फ्रेंड ढूंढो, ठीक है। देखो लड़की मान लो किसी लड़के से बात कर रही है तो तुम उस लड़के से थोड़ी अच्छी दोस्ती बना लो तो वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन गया। अब उसके थ्रू तुम यू नो वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकता है उस बंदी को, तो वो एक कॉमन ग्रुप फ्रेंड के से तुम एक अच्छा हाँ इंट्रोडक्शन बन सकता है। बाकी तीसरा स्टेप क्या है, देखो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो खेल तो मैंने भी सारे खेले हैं, बस वो है कि खेल के मैं अलग हट चुका हूँ चीजों से। अगर आपने बंदी को पहली जो मीटिंग थी उसमें अपने जोक्स पे या अपनी किसी भी चीज पे हंसा दिया या रिलेट करा दिया, ठीक है, हंसा दिया या रिलेट करा दिया, तो आप वो गेम जीत गए, ठीक है, आप वो गेम वहां जीत गए। और आप खुद देख लेना बंदी फिर अपने आप इंटरेस्टेड होगी कॉन्वर्सेशन में। ये मैं आप कहोगे इतना एक्सपीरियंस कैसे है भैया, आपको एक्सपीरियंस है तो है यार, कॉलेज में तो हम भी रहे हैं। प्लस क्या है कि इरिटेटिंग मत हो यार, ठीक है, ओवरवेलमिंग मत हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ कि और सुन लेना तुम कहाँ जा रही हो, वो मत करना, वो बहुत क्रीपी लग जाता है, ठीक है। कूल रहो, उसको कंफर्टेबल रखो सामने वाले व्यक्ति को, उसको ये मत फील होने दो कि यार मतलब तुम ना उसमें उसमें बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हो, बहुत ज्यादा उसमें जानना चाह रहे हो और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहे हो, बहुत लंबे स्टेयर्स मत दो। कुछ लोग होते हैं ना क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आई कॉन्टेक्ट रख रहे हैं और घूर रहे हैं कॉन्टेक्ट के नाम पे, ये ऐसे भाई घूरो मत, ठीक है, वो सामने वाले व्यक्ति को वैसे अनकंफर्टेबल कर देगा, घूरो घारो मत, बस ठीक है बात कर रहे हो हाँ सही है और हाँ भाई ठीक है, थोड़ा आई कॉन्टेक्ट हो गया थोड़ा, तो इरिटेटिंग नहीं होना है आपको, रिपीटेटिव नहीं होना है, एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, एक ही चीज मतलब आप चलो आपको लग रहा है कि यार आपके कॉन्वर्सेशन में आप कोई बात समझाना चाह रहे हो बार बार, वो मत करो यार, ठीक है। तो इरिटेटिंग नहीं होना है, कूल रहना है, पहली बार उसे कंफर्टेबल रखना है, दिल की सारी भावनाएं अंदर दबा लेनी है, ठीक है। चलो बोरिंग नहीं होना है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, देखो अगर तुम बोरिंग हो कॉन्वर्सेशन में तो अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, किसी के लिए क्या बोरिंग हो सकता है, किसी के लिए क्या बोरिंग हो सकता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ रिलेटेबल होने से, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो कैसे, मान लो मैं एक पंजाबी बंदे से बात कर रहा हूँ, अभी स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक भाई कॉलेज के अंदर कॉमन सी चीज है, रॉ एंड रियल कॉन्टेंट मिलता है, जिसको स्टीरियोटाइप लग रहा है तो माफ करना। देखो मान लो कोई पंजाब का बंदा है, ठीक है, अब मेरे को पंजाब का एक मेरा दोस्त है विशाल, बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरा उससे कॉन्वर्सेशन है बहुत हुआ था पहली दूसरी बार, तो मैंने उसे कहाँ से भाई तू, कह रहा पंजाब से, तो मैंने कहा ओ भाई कैनेडा जाएगा तू, तो अब क्या हुआ कि मैं उससे कुछ हद तक रिलेट भी कर गया क्योंकि उसका कुछ प्लान था ऐसा, ठीक है। अब मैंने तो रैंडमली बोला, बट अगर आप व्यक्ति से रिलेट कर जाते हो ना कॉन्वर्सेशन में, तब वो व्यक्ति आपको एकदम समझ जाता है, एकदम जान जाता है, अगली बार वो जब कॉन्वर्सेशन में आएगा ना वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो आप ना कोशिश करो बोरिंग को तो काट दो, बोरिंग तो व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग होता है, पर रिलेटेबल होने की कोशिश करो। जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि कोई बंदी को तुम्हें इंप्रेस करना है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसकी कोई दोस्त हो या फिर उसका कोई दोस्त हो, मेल फ्रेंड हो, ठीक है, उससे थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करो। ये मैं तुम्हें सुपर हैक बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर तुम्हें एक बंदी को इंप्रेस करना है, सुनैना नाम है उसका, ठीक है, और सुनैना का कोई दोस्त है रोहित, तुम रोहित के पास गए, तुमने कहा यार एक बार बताओ ये सुनैना की फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है, तो उसने बताई कोई एक्स वाई जेड है, ठीक है, मैं तो देखता नहीं मेरे को पता भी नहीं है, तो एक्स वाई जेड कोई है, ठीक है। अब तुम सुनैना से कॉन्वर्सेशन में गए, तुम बात करते करते क्या कर रहे, अरे यार वही एक्स वाई जेड सीरीज देख रहा था मैं, तो सुनैना को लगेगा कि यार ये भी एक्स वाई जेड सीरीज देख रहा है, ये तो मेरी फेवरेट है, फिर अपने आप वो कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो जाएगा, तुम
थोड़ा सा प्रिपेयर करके आ जाओ एक्स वाई सीरीज के कैरेक्टर्स कौन थे, कौन बढ़िया है कौन नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर जाओ। तो अगर आप व्यक्ति के साथ रिलेटेबल हो गए ना तो आप कॉन्वर्सेशन जीत गए, और मैं ऐसे कई कॉन्वर्सेशन जीत चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बंदी वाली बंदी बंदा वाला गेम खत्म हो गया, अब आ जाओ भाई जो बच्चे सिग्मा बनना चाहते हैं कॉलेज के अंदर। आप एक स्किल डेवलप करो, आप एक ऐसा स्किल डेवलप करो कि लोग आपको उसी तरीके से जानते हो। आज के टाइम में मुझे पूरा कॉलेज, इवन प्रोफेसर, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरा कॉलेज इस नाम से जानता है कि एक संकल्प जौहरी है जो कि यूट्यूबर है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर मेरा कॉन्वर्सेशन, या फिर इस तरीके से भी जानते हैं कुछ लोग कि यार ये कुछ अलग ट्राई करता है कॉलेज से हट के, तो आप ना अपना आपका एक पर्सनालिटी होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ यूनिक पर्सनालिटी। कॉलेज के अंदर आपके क्लास में 60 बच्चे होंगे, एक होगा स्पोर्ट्समैन, एक हो सकता है जो कुछ अलग ट्राई कर रहा हो, एक होता है टॉपर, एक होता है, तो वो उनका अलग अलग पर्सनैलिटी है। और ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज वाले लोग होते हैं ना, ये ज्यादा बंदे अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि आप इनके पास ज्यादा बात करने जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जबकि भाई जिनका कुछ भी नहीं है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक यूनिक स्किल डेवलप कर पाते हो ना तो आपको हमेशा एक कॉमन इंटरेस्ट मिला रहेगा बात करने के, तो लोग आपके पास अपने आप ही आएंगे बात करने। तो कोशिश करो कि एक यूनिक स्किल डेवलप करो, और कॉन्वर्सेशन के पहले 10 सेकंड में अगर आप बात कर रहे हो किसी व्यक्ति से, तो ये एस्टेब्लिश कर दो कि यू आर एन एविड लर्नर, कि आप भाई बहुत शार्प और एविड लर्नर हो, और आप अपने जो स्किल है उसके मास्टर हो, ठीक है। आप उस चीज को एस्टेब्लिश कर दो उस व्यक्ति के सामने, वो व्यक्ति भाई तुम्हारा फैन बन जाएगा, वो हाल है। बाकी जितने एक्सप्लोर करते करो, क्लब सोसाइटीज, ठीक है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, जिस तरीके से मैंने बताया, टूर ट्रेवल्स पे जाओ इवनिंग टाइम, ठीक है, स्नैक्स, डाइनिंग, कैंटीन, इन सब में बंदे मिलेंगे, बंदियां मिलेंगी, इनसे बात करो, एक्सप्लोर करो चीजें, और क्या। और बाकी इवनिंग टाइम में एक आपको मैं एडवाइस और दे रहा हूँ, अगर आपकी आप ऑपोजिट जेंडर का कोई फ्रेंड चाह रहे हो, भाई शाम के टाइम में चाय की टपरी पे ले जाओ, चाय पिलाओ, मस्त इधर उधर की बातें पिलाओ उससे, और थोड़ा सा प्रिपरेशन जो मैंने आपको बोला है वो करके जाओ, उसके कॉमन दोस्तों से पूछ के जाओ कि यार इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसको कौन सा वेब सीरीज पसंद है, इसको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, इसको इसने तुम्हें क्या क्या बता रखा है, बेसिकली ये थोड़ा उसका प्रिपेयर करके जाओ, फिर उस व्यक्ति को उस बारे में बताओ, तो आप उससे थोड़ा रिलेटेबल होते जाओ, उसको भी लगेगा कि यार मेरी तो उससे वाइब मैच हो रही है यार, यू नो ये तो मेरे जैसा है, ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी। तो चाय की टपरी पे आप अगर डेली उस व्यक्ति को ले जाने लगे तो एक तो क्या होगा कि उसका भी हैबिट फॉर्म हो जाएगा, उसको आपकी भी हैबिट लगेगी, और फिर तो आप समझदार होगी, आप गेम खरीदोगे, है ना। चलो बहुत सारी रॉयल टिप्स हो गई, ऐसी टिप्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।